नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ सरबजीत सिंह अते हाजिर हाँ प्रोग्राम लैके किताबां दे पन्ने। अज तुसी सुनोगे ज्ञानी सोहन सिंह सीतल दा लिखिया होया नावल तूतां वाला खूह दा 32वां भाग। बाबा अकाली कहन लगा, इन्हां धक्केशाहियां तो लोग सगों भड़क उठे आ। तो उस दिन ना बंबई च कांग्रेस वलंटियरां दी होनी ही परेड। लोग सोच रहे सी वी वेखिए कांग्रसी परेड करदे आ कि नहीं। अखीर नियत समय ते कांग्रसी तिरंगे झंडे लै के निकले। बाजारां विच लोकां दी भीड़ इकट्ठी हो गई, आपे ही जलूस बन गया। अगों सरकार भी पूरी तैयारी च बैठी सी, पुलिस की मदद वास्ते फौज भी बुलाई हुई सी। पुलिस ने थां थां ते जलूस रोकन की कोशिश की, टीयर गैस छड़ी, लाठीचार्ज किया। रात तक कोई 100 लोग फटड़ हो गए। इस तरह जनता का रोस होर भड़क उठा। अगले दिन शहर च हो गई हड़ताल, लोग होर मैदान च आ गए। इउं लगता ही बई सारी दुनिया घर छड़ के बाजारां च आ गई होवे। जिस बाजार च वेखो जलूस, जिधर निगाह मारो बस कांग्रसी झंडे ही नज़र आउंदे ही। सरकार ने भी जुल्म करन वालों कोई कसर नहीं छड़ी। उस दिन ना 10 अगस्त वाले दिन सिर्फ बंबई शहर विच ही 79 लोगों ते 10 वार गोली चली हो, ते अगले दिन 13 वार। आ सिर्फ एक शहर की गल आ, होर नागपुर, मद्रास, कराची, लाहौर, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, पूना, अहमदाबाद, लखनऊ, सारे वड्डे वड्डे शहरों च हत्याकांड होए है। निरे पिस्तौलों ते रफलों दीयां गोलियां ते पुलिस ने बस नहीं की। कई थावां ते हवाई जहाजों तो बंब भी सटाए जे, ते मशीन गन्ना नाल 79 लोगों ते गोलियां वराइयां। फिर सच्ची गल आ, किते किते लोग भी गुस्से च पागल हो उठे। भावें महात्मा गांधी का तो हुक्म सी कि हर जुल्म सह के शांत रहना, पर लोग शांत कित्थे रहिंदे आ। कई थाई दे भड़कीले गभरुआ ने अपनी आई कीती। उन्हें डाकखाने साड़ सुट्टे, रेलां उलटातियां, टैलीफोन दियां तारां कटतियां, अनाज दियां दुकानां लुट लियां, सरकारी गोदामां नूं अग्गां लातियां, कारां नूं रोक रोक के पंचर करता, रेल दियां पटड़ियां पुटतियां। ते इहदा नतीजा सारे देश विच हड़ताल हो गई, रेलां चलनियां बंद हो गईयां। समझ लो भी एक तरह नाल ना सारा कारोबार ही बंद हो गया। तो इन्हां घटनावां तों सरकार नूं मिल गया बहाना। सरकार ने भी फिर जनता उत्ते मन मने जुल्म किए। बाबा कालिया कहते, शहर गया जिहड़ियां फावां सुनी दियां उहदा डाढ़ियां ही भैड़ियां, मार लूं कंडे खड़े हो जांदे सुन के। अंग्रेज़ां ने कीती वी अखीर आ। कोई भी शरीफ कौम किसे अधीन देश उत्ते इन्ना तशद्दद नहीं करती। कई हज़ार बंदे मारे गए आ, कई घर तबाह हो गए आ, ते कई खानदान समूल चों ही मिट गए। अच्छा अच्छा, इसे वास्ते फिर महात्मा गांधी ने मरण वर्त रख्या? दीप सिंह ने बड़ी उत्सुकता नाल पुछया। वर्त रखण दा एक कारण होर भी आ, बाबे काली ने थोड़ा जिहा दीप सिंह वल मूँह करके कहा। सरकार ने दूषण लाया बई इह सारियां तशद्दद दीयां कारवाइयां महात्मा गांधी दे इशारे ते होईयां। महात्मा गांधी ने इस गल दा विरोध कीता ते रोस वजों भुख हड़ताल करती आ। मेरे हिसाब नाल इहनूं मरण वर्त नहीं कहा जा सकदा, पर पिंडां विच तां बड़े वाड़े उठदे ने। सुनिया महात्मा गांधी की हालत बड़ी माड़ी हो गई आ, रब ना करे जे उहनूं कुछ हो गया। टहल सिंह ने आखिरी वाक अधूरा छड्ड दिता। हाँ, किसे हद तक अफवाहां सच्चियां भी ने। जे महात्मा गांधी नूं कुछ हो गया फिर इहो जी अग भड़कूगी जिन्हों कोई भी बुझा नहीं सकूगा। सरकारी लोगों वास्ते वो दिन परलो दा होगा। भला किन्ने कु लोग कैद हो गए होणगे हुण तक? मिल्खा सिंह ने गल जारी रखण दे इरादे नाल सवाल किया। कोई सही अंदाजा तो नहीं लाया जा सकता मिल्खा सिंह, नाले अजे किहड़ा मोर्चा फतेह हो गया। सहजे सहज लोग हाले जा ही रहे आ। मैं भी चलिया चौथ नूं। बाबा कालिया, मैं भी तेरे नाल चलूँगा। फिर पता नहीं मोर्चा लगना कि नहीं लगना, जांदी वार दा हिस्सा अहीं भी पा छड्डीए। टहल सिंह ने बड़ी गंभीर ते दृढ़ सुर विच कहा। हनेरा वाहवा हो चलिया सी। बाबा अकाली कहन लगा, चलो उठो फिर चलीए, साडे पिछों हुण इतफाक ना रहो, कोई होर गड़बड़ ना करियो। अगे ही सज्जन सौं ते इलमदीन दे झगड़े बारे सुन के मेरा दिल बड़ा दुखिया। मैं पिंड हुंदा ते इहो जी घटना कदे ना आउण दिंदा। बाबा अकाली उठ के घर नूं तुर पिया। उहदे मगरे बाकी सज्जन भी उठ के तुर पए, पर सारयां दे दिल विच हलचल मची हुई सी। उन्हां अंदर कांग्रेस नाल हमदर्दी ते अंग्रेज़ां विरुद्ध घिरना सी। ओह भी मोर्चे विच हिस्सा लैना चाहुंदे सन। कई सत्याग्रह करके जेल जाण ते कई सरकार दे विरुद्ध हथियारबंद टाकरा करन बारे सोच रहे सन, पर ओह अपनियां मजबूरियां तों छुटकारा पाउण दा कोई राह नहीं सन लभ रहे। 2 दिनां बाद तरन तारन मस्या दा बड़ा भारा मेला सी। सारे बाजार भीड़ नाल भरे पए सन। तहसील दे चौंक विच उच्चे थां ते खलो के बाबे अकाली ने उच्ची उच्ची लैक्चर देना शुरू कर दिता। ओ अंग्रेजो ते अंग्रेज़ां दे चेले चाटड़ियो, सुनो, कन्न खोल के सुनो, असी सारे महात्मा गांधी दे नाल जे। मैं महात्मा गांधी दे ऐलान नूं दोहरांदा, अंग्रेजो
हिंदुस्तान चो निकल जाओ। भरावो तुसीं भी मेरी बेनती सुन लो, तुसीं कोई सरकार नूं वार फंड ना दिओ, फौज विच भर्ती भी ना होवो ते किसे किस्म दा सरकार नाल मिल वर्तन ना करो। जिथे कोई अंग्रेज मिले ललकार के आखो अंग्रेजों इत्थों निकल जाओ। बाबा अकाली उन्ना चिर इस तरह उच्ची बांह करके नारे लाउंदा रहा जिन्ना चिर पुलिस हथ कड़ियां लैके ना आ पहुंची। बाबे अकाली नूं हथ कड़ी ला के पुलिस वाले तुरन लगे तां लागे खड़ा टहल सिंह सारे टेल नाल बोल उठा, ओए खलो जो एक मिनट मैं भी ये नाल जे। हथ दे इशारे नाल पुलिस नूं रोकदा होया टहल सिंह बाबे अकाली वाली थां ते चढ़ के खलो गया। ओए मैनू बड़ा लैक्चर करना नहीं जे आउंदा, मैं ते सीधी आखांगा अंग्रेजो इत्थों निकल जाओ। सारे टेल नाल जदों उन्हें दोवें बाहीं उच्ची करके कहा तां जोश नाल उहदा चेहरा पख के लाल हो गया ते रोह विच मुठियां मीटियां गईयां। लो हुण मार लो हथ कड़ी, उन्हें दोवें बाहीं अगां वधा दित्तियां। महात्मा गांधी पुणे दे आगा खां महल विच बंद सी। वर्त दे चौथे पंजवें दिन तो ही गांधी जी की हालत विगड़नी शुरू हो गई, जिहड़ी दसां बारां दिनां विच बहुत ही खराब हो गई। उस वेले देश विच बहुत ही घबराहट ते चिंता सी। अंग्रेजां दे विरुद्ध रोस दा प्याला भरिया होया सी, कुछ भी अभिनबी हो सकती सी। पर 15वें-16वें दिन गांधी जी की हालत कुछ सुधरनी आरंभ हो गई। 21 दिन पूरे होने उत्ते 3 मार्च नूं महात्मा गांधी जी ने वर्त छड्या तां लोकां ने कुछ सुख दा साह लिया। अगले साल 1943 अप्रैल विच महात्मा गांधी जी बीमार पै गए। 6 मई नूं गांधी जी नूं बीमारी दे कारण रिहा कर दिता गया। उन्हां दे नाल कुछ होर साथी भी छड्ड दिते गए। 7 मई 1945 नूं यूरोप की जंग खत्म हो गई। अंग्रेज़ां दा धड़ा युद्ध विच जित गया। सारे संसार ने सुख दा साह लिया। अंग्रेजी सरकार ने छेती ही हिंदुस्तान नूं कुछ देण दा ऐलान किया ते सहज सहज सारे कांग्रसी रिहा कर दिते। दोस्तों तुसी सुन रहे सी ज्ञानी सोहन सिंह सीतल दा लिखिया नावल तूतां वाला खूह दा 32वां भाग। अज इन्ना ही, रब राखा।